हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विद्याकार गुरु। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मारुति अल्टो का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट और सबसे कम बजट की कार जो है वो मारुति अल्टो एलेक्साई, जिसमें आपको मिल जाता है फ्रंट पावर विंडो और कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलेगा। आज हम इसका 360 व्यू आपको दिखाएंगे और एक ख़ास बात इसमें ये हुई है दोस्तों कि ये कार मैन्युफैक्चरिंग रोक दी गई है, क्योंकि हो सकता है नया मॉडल इसका लॉन्च हो सकता है कि जो है ये BS6 सेकेंड लॉगो होने वाला है भारत में, जो कि उसमें सेट ना बैठे तो इसको डिसकंटिन्यू करके अल्टो K10 को ही कंटिन्यू रखेगी मारुति। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कुछ इस तरीके से था। सबसे ज़्यादा पसंद आती थी फर्स्ट टाइम यूजर को ये कार। सीखने के लिए दोस्तों, पहली बार अगर कोई कार यूज कर रहा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये कार थी। तो फ्रंट कुछ इस तरीके का, काफ़ी खूबसूरत थी कार, कुछ इस तरीके का फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। 800 सीसी कार है ये, 796 सीसी में, इसको 0.8 लीटर बोल सकते हैं इसको आप। व्हील कवर के साथ आपको मिलती थी। टायर साइज कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलता है, 13 इंच का, और दोनों साइड में रियर व्यू मिरर मैनुअली एडजस्टिंग वाले रहेंगे, दो वाइपर। और एक बार हम आपको इसका 360 व्यू दिखाएंगे। एक खूबसूरत सा सुजुकी का लोगो आपको इस पे मिलता है। इस तरीके से कार आपको देखने को मिल रही थी। हो सकता है शोरूम में आपको नेक्स्ट मंथ से अवेलेबल ना हो, तो अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो बचे हुए स्टॉक डीलर पर अवेलेबल हैं उसमें आप कार ले सकते हैं। और ये इसका रियर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है कार, फुल बैलेंसिंग रोड पे, काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग है इसकी, हाई माउंट लाइट है और कुछ इस तरीके से अल्टो का लोगो आपको मिलेगा। और ये इसका साइड लुक, एक बार इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं इसका सीटिंग अरेंजमेंट और किस तरह का डैशबोर्ड है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कार से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। इस सिल्वर फिनिश के साथ इसका हैंडल मिल जाएगा अंदर से खोलने के लिए, कुछ इस तरीके से जो है आपको ये यहाँ पर कैरी कर सकते हैं कुछ चीज़ें आप। इंटीरियर कुछ इस तरीके से, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है इसमें, सुजुकी का लोगो बीच में, और कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको मिलेगा स्पीडोमीटर के साथ में, डिजिटल मीटर के साथ में। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, म्यूजिक सिस्टम इसमें इंस्टॉल कराना पड़ता है। पार्किंग लाइट के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है, और अंदर में केबिन लाइट के लिए यहाँ पर आप यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं रियर। उसके बाद IRBM, दो सनवाइजर ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको मिलेगा। उसके बाद में ये हैंडल मिल जाएंगे तीनों साइड में। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, पैडल थोडल कुछ इस तरीके से इसमें आपको मिलेगा। इंटीरियर में 5-सीटर कार है, इस तरीके से सीटिंग मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कार ये। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम को ड्राइविंग सिखाने के लिए, फर्स्ट टाइम यूजर को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये कार थी। और अगर बात करें बूट स्पेस की तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अल्टो की फुल वीडियो हमने बना रखी है, अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं इसकी तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें आपको बूट स्पेस से मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप कम लोग हैं तो सीट इसकी फोल्ड भी होती है, यहाँ से आप करके फोल्ड कर सकते हैं इसको, तो चाहे जितना लगेज आप कैरी कर सकते हैं अगर दो लोग हैं आप। बाकी तो इस तरीके से थी कार, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर थी और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग थी अल्टो की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट में बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कार के साथ। थैंक यू सो मच।